हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 18, 17 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के पेज पे अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर फ्रॉम द हाउस एवरी टू ईयर्स। हर दो साल के बाद राज्यसभा से कितने मेंबर्स हैं जो रिटायर होते हैं। ऑप्शंस हैं 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर्स, या फिर 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स हैं जो कि हर दो साल के बाद राज्यसभा से रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें इवेल्युएट करनी है वो करेक्ट हैं कि रॉन्ग हैं। ए है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, और बी है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें ए स्टेटमेंट करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द टर्म ऑफ द लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर्स। ऐसा कितनी बार हुआ है कि लोकसभा का जो टर्म है वो 6 ईयर्स तक एक्सटेंड किया गया हो। ऑप्शंस हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या फिर नेवर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है हमारा, ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज। यूनियन गवर्नमेंट को जो टैक्स से रेवेन्यू मिलता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, किस टैक्स से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। ऑप्शंस हैं इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, या फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की। ऑप्शंस हैं 350, 600, 500 या 750। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी डज नॉट गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, टू मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय। दो मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जा सकते हैं, कौन नॉमिनेट कर सकता है उनको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, या फिर प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द पार्लियामेंट। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कम्प्लीटेड द एज ऑफ। अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, या फिर 18 ईयर्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज कंटिन्यूसली एबसेंट फ्रॉम सेशंस फॉर। अगर कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कितने दिन के लिए सेशन से एबसेंट रहने के बाद उसकी जो मेंबरशिप होती है वो कैंसिल हो जाती है, वो और ज़्यादा टाइम के लिए वो मेंबर नहीं रहता पार्लियामेंट का। तो ऑप्शंस हैं 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, या फिर 365 डेज। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 60 डेज। 60 डेज से ज़्यादा अगर कोई एमपी एब्सेंट रहता है पार्लियामेंट के सेशन से तो उसकी मेंबरशिप लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द रेजिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड विद। इंडिया में रेजिड्यूरी पावर्स किसके साथ रहती है, किसके पास रहती हैं रेजिड्यूरी पावर्स, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेजिड्यूरी पावर्स रहती हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। कौन सा इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस है जो इंडियन पार्लियामेंट ने वर्ल्ड को दिया है। ऑप्शंस हैं क्वेश्चन और, जीरो और, रेजोल्यूशंस, या फिर प्रेसिडेंशियल स्पीच। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जीरो और। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट मीन्स। इंडियन पार्लियामेंट का क्या मीनिंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इंडियन पार्लियामेंट में इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस कौन सा है, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू असर्टेन द पब्लिक ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन।
इनमें से कौन सा मेथड है जो फॉलो किया जाता है पब्लिक ओपिनियन के लिए इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन पे? ऑप्शंस है इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट और कॉन्स्टिट्यूशन इज द। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट ओनली इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट ऑफ। ऑप्शंस हैं असम, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरल। इस क्वेश्चन उस टाइम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अब 370 जो हमारा आर्टिकल है वो JNK से हट गया है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हम बोल सकते हैं कि ऑब्सलीट हो चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, फाइंड आउट। इनमें से एक जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स थ्रू। जो वोटिंग एज है वो पहले 21 ईयर्स होती थी, लेकिन उसको 21 ईयर से हटा के 18 ईयर्स कर दिया गया। ऐसा किसके थ्रू हुआ है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। तो ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट इन टू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स और फंक्शन है वो डिवाइड किए हुए हैं कितनी लिस्ट में? 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट या फिर 5 लिस्ट। तो ये डिवाइड की गई हैं पावर्स 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है? ऑप्शन हैं 2, 5, 10 या 12। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, JCM इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो और हमारी एफर्ट अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.